हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना के संकट में जहां हर ओर सिर्फ हताशा, निराशा, मृत्यु, बीमारी ही दिखाई देती है, ऐसे में आप अपने आत्मबल को कैसे मजबूत बनाएं, कैसे अपने अंदर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, इसके लिए योग, ध्यान, आयुर्वेद, क्या ये कारगर है? क्या इनसे कुछ सीखा जा सकता है? और कोरोना ने हमें क्या सीख दी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। नमस्कार। आप खुद देख रहे हैं चारों ओर दुनिया में क्या हो रहा है, और भारत ने ऐसी त्रासदी शायद इससे पहले कभी देखी नहीं। आज हर व्यक्ति के अंदर एक डर सा है इस बीमारी की चपेट में आने का, कहीं अपनों को बीमारी ना हो जाए, कहीं कोई अपना बिछड़ ना जाए। सबसे पहले तो आप ऐसा क्या बता सकते हैं हमारे योग विद्या में, हमारे आयुर्वेद में, हमारे ध्यान दर्शन में, क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो आज इंसान की मदद कर सकती है? ये भीषण परिस्थिति शायद एक दो पीढ़ी के लोग कभी अनुभव नहीं किए, फिर भी जगह जगह जहां पर युद्ध हुआ, कुछ आपद की परिस्थितियां हुई, जहां सुनामी हुई, ऐसी ऐसी परिस्थिति, बाढ़ आया कहीं पर, कई बीमारी आई, ये तो हमने अनुभव किया। मगर जिस जो स्केल में आज हो रहा है भारत भर में, ये बहुत शॉकिंग है लोग। इससे ऊपर एक और बात यह है कि जब लॉकआउट होता है, घर पे रहना है, जब बाहर जाना, मास्क पहन के जाना, उससे भी इतना घुटन सी हो रही है लोगों को, तो मानसिक बल बहुत कमजोर होता जा रहा है इस वक्त। इन परिस्थितियों में हमें अपनी मानसिक बल बढ़ाने के लिए पूरी तरह से चेष्टा करनी चाहिए। एक तो अपने भीतर जो जोश है उसको जगा के रखना है हमें। ऐसी मुसीबत आ पड़ी है देश में, ये तीसरी महायुद्ध से कोई कम भीषण परिस्थिति नहीं है, तो इसलिए इस बीमारी के साथ लड़ने के लिए यदि हम हिम्मत हार जाते हैं तो मान लो फिर तो जीना ही मुश्किल है, वो होगा ही नहीं फिर तो। तो हमें अपने भीतर की आत्मबल को जुटाने के लिए हमें योग साधना करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और दूसरों के लिए जो हम मदद कर सकते हैं सेवा में लगना बहुत आवश्यक है, ताकि जब दूसरों के साथ अपना दुख दर्द बांटते हैं और उनका दुख देते देखते हैं तो अपना दुख उससे थोड़ा कम ही लगता है हमें। गुरुजी, ये आवश्यक जी जी आप बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं, ये आवश्यक है इस वक्त हमें ये जानना कि ये कुछ काल के लिए आया, मगर हम इससे लड़के जीतेंगे। यह आत्मबल, यह विचार हमारे भीतर बड़े मजबूती से हमें संजोना पड़ेगा। लेकिन ये होगा कैसे गुरु जी? सवाल यही है, जिसके अपने ऊपर विपदा आई, जो जिसका कोई अपना अस्पताल में है, या कोई बिछड़ गया, उसकी मृत्यु हो गई, या कोई खुद इस बीमारी से लड़ रहा है अस्पतालों में, उसका इलाज चल रहा है, वो कैसे ये आशा की किरण देखेगा? वो कैसे इतना आत्मबल लेकर के आए? देखिए, जब भी आदमी बीमारी से, उनके भीतर आशा तो होती है, कुछ ना कुछ करें हम इससे आगे निकलेंगे, ये सहज ही है, कुदरत ने ऐसा दिया है हर व्यक्ति को। मरना कोई नहीं चाहता, मरते वक्त तक वो चेष्टा करता किसी तरह से हम इससे बाहर निकलेंगे, ये बात एक है। दूसरा, ये जो अपने बड़े नजदीक के लोग कर रहे हैं, तभी हमको इसका दर्द का एहसास जोर से होता है। कई सड़क में कोई किसी को दर्द दुख पहुंच रहा है, वो तो देख के कुछ करुणा, कुछ सिंपति दे करके हम आगे निकल जाते हैं, मगर जब अपनों को होता है वो बहुत चुभता है। यही समय है हम अपने भीतर गहराई, एक जो गहराई मानवीयता की गहराई है ना, ये उभर आती है। इस वक्त
हमें अपने आप को संभालना बहुत आवश्यक है। संभालने के लिए हम यही कह रहे हैं कि जीवन को विशाल दृष्टिकोण से देखिए। एक कीटाणु ने हमको समझा दिया, अनुभव करा दिया, जो इतने वेद वेदांत के ग्रंथों में पढ़ पढ़ के हमको नहीं समझ में आया। जीवन क्षणिक है, ये बात हमको ये सब परिस्थितियों को देखते देखते समझ में आ जानी चाहिए। सुना है, पढ़ा है, वैराग्य चाहिए जीवन में, ये सब क्षणिक है, मगर जो ये भीषण परिस्थिति है, ये लोगों को ये प्रैक्टिकली बने जीवन में इसको उतार दिया है। अच्छा, इसमें दो बात होती, ये तो बहुत डिप्रेस होके लोग बैठ जाते, माने एक डिप्रेशन होगा, लोग मन की जो दुर्बलता पे, दुर्बलता के ओढ़ में आकर के एकदम कमजोर महसूस करेंगे। दूसरी तरफ आक्रामक हो जाते, बहुत गुस्से में, नाराजगी में, वो गुस्से में आके, क्रोध में आके वो अपना होश खो देते हैं। इन दोनों के बीच में हमको बने रहना है, ये बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए ही मैं कह रहा हूँ कि लोग थोड़ी सी ध्यान करें और जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखें। जीवन नश्वर है ये बात, मौत हमारे दरवाजा कटकटा रही है, इस बात से हमारे भीतर की जो अच्छे गुण हैं वो उभर आएंगे, माने दूसरों को मदद करने के लिए हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इस घड़ी में भी ऐसे लोग देश में हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर को छिपा के रखते हैं, इस बीमारी का फायदा उठा रहे हैं, इसमें अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए सोचते हैं। ये जो राक्षसी गुण है वो भी एक कहीं कहीं उभरता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ से लोगों में जो आज तक नहीं किया सेवा, वो सेवा भाव भी जग रही है, दूसरों के दर्द को भी अपना मानने की एक घड़ी में वो लोग वो बहुत समझ रहे हैं, एक दूसरे के मदद में भी आप पहुंच रहे हैं, ये दोनों बात एक साथ हो रही है। जी बिल्कुल गुरुजी, एक चीज आप भी महसूस करते होंगे, अपने आसपास भी लोगों को जब देखते होंगे, आज हर व्यक्ति बड़ा डरा डरा सा है, हर वक्त अगर मास्क लगा भी रखा है, घर में भी बैठा है तो भी चिंता में है कि कहीं मेरे घर में ये बीमारी ना आ जाए, इस डर से हम कैसे लड़ेंगे? देखिए, एक तो जागरूकता से रहना है, केयरफुल रहना एक बात होती है, दूसरा डर से बैठ जाना, पैरानॉइड हो जाना, ये उसका एक दूसरा छोर है, वहां तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। केयरफुल रहे, मास्क पहने रहे, मगर इतना डरने की कोई बात नहीं। आप देखेंगे तो इसका जो मोर्टालिटी रेट भी इतना अधिक नहीं है, भारत जो दिखता तो है हमको मगर इतना अधिक नहीं है, जितने लोग बीमार होके स्वस्थ होके वापस आए उन सबको देखे, और कितने लोग बीमार पड़े हैं 4-5 दिन में, 6-7 दिन में नेगेटिव भी हो गए हैं। तो ये सब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल समय मिलेंगे, समाज में निदर्शन मिलते हैं, इन सब को देख के हम अपने भीतर का जो हौसला है, हिम्मत है, वो बढ़ाएं। गुरुजी, बहुत से लोग जो है वो अब घर पे बैठ करके उन्होंने अपने आप कुछ ना कुछ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कहीं से समझा, कहीं से पढ़ा या किसी ने बता दिया, तो कोई आयुर्वेद का सहारा ले रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या मशवरा देंगे, क्या सलाह देंगे अगर किसी को भी अपने आप को थोड़ा और मजबूत बनाना है, इम्यूनिटी वाइज भी और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ भी, तो उसे क्या 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 काम करने चाहिए? प्रिवेंटिव स्टेंस के लिए सबसे पहले ये बात है कि हमें ये जानना चाहिए इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं, ये ऐसा जानलेवा बीमारी नहीं है सबके लिए, ये बात हमको मन में रखना चाहिए। यदि हम सावधानी बरताएंगे शुरू से, जैसे कुछ भी बुखार आया या कुछ हुआ तुरंत उसका इलाज शुरू कर देते हैं तो ये उत्तम है। डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत आवश्यक है, मगर साथ साथ अपना आयुर्वेद का ले, भोजन शैली में सुधार करें इस वक्त जिसमें इम्यूनिटी हमारी बरकरार बना रहे, तो आयुर्वेद में है
ये कबासुर है, सिद्धा सिस्टम में आयुर्वेद में गुडुची अमृत है, हल्दी है, ये सब का सेवन करना बहुत आवश्यक है। और हमने देखा कई लोग 4-5 दिन इसका सेवन करके जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव भी हुए हैं। मगर जहाँ पर भी थोड़ा सा भी यदि आपको लगता है ये लंग इन्फेक्शन हुआ कुछ भी हुआ, आप इसको इग्नोर नहीं करना, नेग्लेक्ट नहीं करना, अवश्य सीटी स्कैन लीजिए और डॉक्टर जो बोलते हैं वैसा पूरा इलाज करना चाहिए हमें। मतलब कभी ऑक्सीजन लेना पड़ता है, जब एक बार बीमारी आ जाती है उसके बाद ऑक्सीजन लगाना चाहिए। अब इस वक्त अंधविश्वास पे नहीं जाना चाहिए, नहीं कहना चाहिए अच्छा कर्पूर सूंघ करके हमारे भीतर पूरा ऑक्सीजन आ जाएगा, ये सब चीजों में मत जाना। कोई कोई तो लोग ये समझते सिर्फ स्टीम लेने से ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ऐसा कर करके काफी लोग बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंच गए हैं। तो इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, अवैज्ञानिक कोई भी चीज हमें नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अवश्य आयुर्वेद और जीवन शैली को अपना बदलना चाहिए, आयुर्वेद का उपयोग करें, योग करें, प्राणायाम करें। मगर इन सब के बावजूद भी यदि ये खतरनाक बीमारी यदि हमारे भीतर घर कर गया हो तो अवश्य डॉक्टर के पास जाकर के जो वो मेडिसिन देते हैं वो सेवन करना पड़ेगा आपको। गुरु जी आपने बहुत अच्छा संदेश दिया और उसकी बहुत ज़रूरत भी थी आज के समय में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अपनी पारंपरिक पद्धति में जो कुछ बताया गया है प्राणायाम कर लें, योगासन कर लें या आयुर्वेद का थोड़ा इस्तेमाल कर लें तो उन्हें बीमारी हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। और आप अपने डॉक्टर की सलाह पर चलें, ये श्री श्री रविशंकर जी की भी आपको सलाह है। आप अपने अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई पारंपरिक तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे करें, लेकिन ये ना समझें कि इससे कोरोना आपको छू नहीं सकता है। लेकिन फिर भी आपसे गुरुजी समझना चाहते हैं कि प्राणायाम और योग खास तौर पर इनका हमारे शरीर पर क्या असर होता है जो हमें एक ताकत देता है इस बीमारी से लड़ने की। इसका तो बहुत से बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात है प्राणायाम और ध्यान हमारा इम्यून सिस्टम को 5 गुना मजबूत कर देता है। इस पर काफी रिसर्चेस भी हुई है। प्राणायाम और ध्यान करने से भी मानसिक बल ही नहीं है, शारीरिक रोग निरोधक शक्ति भी हमारे भीतर बढ़ती है। ये सब प्रिवेंटेटिव है। अच्छा, मैं ये भी यहां कहना चाहूंगा, किसी सिस्टम पर हम अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। किसी किसी को ऐसा लगता है एलोपैथी से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आज कह रहे हैं सिर्फ एलोपैथी ही नहीं है, हमें आज एक नया सिस्टम का मेडिसिन चाहिए जहां हम नूतन हो पुरातन हो दोनों को लेके आगे बढ़े। ये नहीं कि सिर्फ इलाज करते वक्त सिर्फ हम आयुर्वेद ही उसी में जाएंगे, नहीं, आयुर्वेद का अवश्य हो रहा है, बहुत बड़ा असर कर रहा है, मगर सिस्टम पर अड़े ना रहे, फैनेटिक ना हो। सभी सिस्टम में जो बढ़िया से बढ़िया जो मेथडोलॉजी है वो सब लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारा मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य रक्षा और समाज का ये जो परिस्थिति है आजकल, क्या मानसिक रोग से हमारा समाज जूझ रही है। मानसिक रोग पूरी दुनिया में आज सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है। इसको सामना करने के लिए प्राणायाम, ध्यान, योग, वेदांत का चिंतन, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। गुरु जी देख रहा था कि आप अब लोगों को इस बीमारी में, जो लोग अपनी पहले तो जिनको बीमारी ना हो इसके लिए वो लोग क्या करें, जो लोग बीमार हो गए जिनको कोरोना हो गया वो लोग क्या कर सकते हैं, और कोरोना से रिकवर होने के बाद लोगों को कैसी जीवन शैली अपनानी चाहिए, आप ये भी लोगों को बता रहे हैं। तो मैं पहले आपसे पूछता हूँ, जो लोग ठीक हो गए, क्योंकि अब एक नया खतरा आ गया है उसको ब्लैक फंगस का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि इतना हैवी ट्रीटमेंट कई बार कोरोना का अस्पतालों में होता है, स्टेरॉइड्स लगते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ दी जा रही हैं, उससे इम्यूनिटी और कम
खत्म हो जा रही है, कई लोगों को तो डायबिटीज हो गई कोरोना से ठीक होने के बाद, ऐसे लोगों का जीवन अब किस पटरी पर चलना चाहिए? नहीं, पोस्ट कोरोना जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत आवश्यक है। कोरोना से तो निकल गए, कोरोना नेगेटिव हो गया मान लो, मगर नेग्लेक्ट ना करें, यही समय है आप अपना जीवन शैली में वो परिवर्तन लेके आए। प्रतिनित्य हल्दी लीजिए और आयुर्वेद का जो अश्वगंधा लीजिए, अश्वगंधा भी हमारे शरीर को बड़ा मजबूत करता है, नारायण कल्प है। कबासुर अवश्य लीजिए, कबासुर लेने से ये सिद्धा सिस्टम से तो आ रहा है मगर इससे बहुत लोगों को इतना अधिक फायदा हुआ, इस पर रिसर्च भी काफी हुई है। साथ ही साथ प्राणायाम और ध्यान करना जीवन में बहुत एक कड़ा नियम के साथ इसको पालन करें, तब देखिए आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। फिर हर घड़ी घड़ी हम कुछ ना कुछ दवा खाने की जो आदत बन गई, पिल्स खाते रहो, दर्द हुआ पेन किलर्स खाते रहो, सिर दर्द में कुछ खाओ, इन सब चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। जीवन शैली को हम बदलेंगे और मनोबल को मजबूत करेंगे तो पोस्ट कोरोना में भी हम स्वास्थ्य का लाभ शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कर पाएंगे। गुरुजी, एक चीज आपसे और सब लोग जानना चाहते होंगे, आजकल एक डर बच्चों को लेकर के हो गया, माता पिता इस डर में है कहीं बच्चों में ना हो जाए, क्योंकि इस बार बच्चों में कोरोना के मामले बढ़े भी हैं, बच्चों के लिए भी कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, तो माता पिता को आप क्या सलाह देंगे? डरिए मत मगर सावधानी रखिए, ये जरूर अवश्य हम कहेंगे। बच्चे बहुत इधर उधर घूमे और मास्क ना पहने, ये सब परिस्थिति ऐसा है, यदि हम डरते रहेंगे हर बात पर तो हम अपना मनोबल भी खो बैठेंगे। मैं ये कहूँगा आप सबको, इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल हम माध्यम की ओर से देखते हैं सब जगह इधर हो गया उधर हो गया, वो भी आपको घबराहट शुरू पैदा कर सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि बीमारी तो है, सावधानी से हम रहें और बच्चों को इन दिनों में अधिक चीनी मत दीजिए, सफेद चीनी देने से उनका इम्यून सिस्टम पर आघात पहुंचता है, इम्यून सिस्टम डाउन होता है, इसलिए गुड़ और हनी का मधु का आप प्रयोग करिए, शहद का प्रयोग करें, गुड़ का प्रयोग करें और सफेद चीनी घर पे इस्तेमाल मत करिए, इससे भी बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता। बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बना दे, कोई रोग उनको फिर छुएगा नहीं। गुरुजी, थोड़ी देर पहले भी आप बता रहे थे कि जब कोई विपदा बहुत नजदीक से देखता है तब उसको उस दर्द का एहसास होता है। अनफॉर्चुनेटली इस बार बहुत सारे परिवारों में किसी ना किसी परिजन की मृत्यु हुई है और मृत्यु का दुख जो है जीवन का सबसे बड़ा दुख है, उन लोगों को आप क्या 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 सलाह देंगे, वो इस दुख से उभरें कैसे, इसको अपनी लाइफ में किस तरीके से लें कि उनके अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आए? जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। जैसे हम यहाँ पैदा हुए हमारा मृत्यु भी निश्चित हो गया है, मरना तो है सबको, मरेंगे सब, मरने ही वाले हैं यहाँ पर। कबीर दास जी कहते ना, ये तो मरघट है जो यहाँ मरे हुए या मरने वाले या मरने के लिए पैदा होने वाले का जगह है। ऐसा मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जब वो सामने आपके सामने आता है, देखने लगता है, तभी तो जागो भाई, ये समय है जागने के लिए, रोने के लिए नहीं। आपके भीतर की जो खूबी है, आपके भीतर जो खुशबू है ज्ञान की, अब वो जागने का समय है। हम क्या करते, किसी की मृत्यु हो जाती है घर पे तो थोड़ी देर बैठ के वो 5-6 दिन गीता का पाठ कर लेते हैं और उसमें भी ध्यान नहीं देते, इधर उधर घूमते रहते, इस तरह से चंचल मन को बनाए रखते हैं। ये समय है मृत्यु, हमारे चंचल मन को स्थिर कर देता है, दिखाता है कि भाई तू भी एक दिन ऐसे जाने वाले हो।
तो इसलिए जब तक जी रहे हो जी भर के जियो और अपना जीवन को ऐसा बनाओ जिससे औरों को सुख मिले, सुविधा मिले। इसे ये पाठ पढ़ा रहा है मृत्यु। तो आपके पास दो ही विकल्प है, एक तो बैठ के रोते रहो और डिप्रेशन में चले जाओ, या जाग उठो, जाग करके जीवन को संभालो, हर चीज को अप्रिशिएट कर। हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान ही नहीं देते। यह समय है जीवन की ज्योति और तेज से जाग उठे, ये इसका ये लाभ उठाना चाहिए। वैराग्य जो है, आदि शंकराचार्य ने कहा ना, कस्य सुखम न करोति विरागा। वैराग्य जागे तो ऐसा सुकून आपको मन में महसूस होगा और बल भी मिलेगा और जीवन का सत्य है इसका अनावरण होगा। गुरुजी, आपने कहा कि मृत्यु जैसी चीज से भी हमें सीखना ही चाहिए, लेकिन अगर दुनियावी में बात करूं आपसे, क्योंकि हम तो वो चीजें महसूस या नहीं जानते हैं ना महसूस कर सकते हैं जो आपने की होंगी, किसी के घर में बीमारी आ गई या किसी के घर में मृत्यु हो गई किसी की, वो इन सब बातों को समझ नहीं पाता, तो वो उसके लिए आसान नहीं है इन चीजों को ग्रहण करना। नहीं, जब जब मृत्यु होता है, जो खालीपन महसूस होता है ना, अरे चलता फिरता आदमी, जीता जागता आदमी, अचानक कहाँ चला गया, ये बात तो, ये प्रश्न तो उठता ही है। तभी लोग उसके आगे देखने के लिए एक आस्पद है, वो देखते, अरे क्या हो गया, कहाँ चले गए वो, और कोई गंतव्य है क्या, और कोई आयाम है जीवन का क्या। ये सारे प्रश्न तभी उठता है जब सड़क में कोई मरता है, तो ये प्रश्न उठता है। घर में जब अपने नजदीक के व्यक्ति मरता है, तभी एक आध्यात्मिक रुचि जागती है लोगों में। जितने भी कोई नास्तिक हो, किसी चीज को नहीं मानने वाला हो, मृत्यु उनकी आंख खोल देती है। उस वक्त उनके भीतर ये कौतूहल जागती है, वो आत्मा गई कहाँ, वो है कैसे, उनके मन में क्या रहा होगा, ये सब प्रश्न उठते हैं। और इन सब प्रश्न का उत्तर है ध्यान। ना चाहते हुए भी व्यक्ति को ध्यान होने लगता है। आप देखेंगे जिस जिस व्यक्ति, जिस जिस घर में ऐसे मृत्यु हुआ, लोग बैठ जाते हैं उस वक्त, मन एकदम खाली हो जाता है उनका। मैं कह रहा हूं इसको, इसके और गहराई में जाइए, और इससे क्या होगा, लाभ क्या है समाज, इससे आपके भीतर जो अच्छे गुण है वो जागेगा। अब छोटी मोटी चीजों को लेके आप फिर झगड़े में नहीं फंसोगे, दुखी नहीं होगे, मगर जीवन को एक विशालता से, विशाल दृष्टिकोण से देखने लगोगे। एक बात है। दूसरी बात है, इस वक्त देखिए कितने डॉक्टर्स, नर्सेस, फ्रंटलाइन वर्कर्स, कैसे वो अपना जान का परवाह ना करके दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात। वो बर्नआउट है, बहुत बड़ा बर्नआउट है, और डॉक्टर्स से कई लोगों को हो गया, वैक्सीनेशन के बाद भी कई लोगों को हुआ है, फिर भी कितने लोग इसमें लगे हैं, उनके भीतर जो त्याग है उसको देखें। दुख में त्याग जागे हमारे भीतर, और जब हम सुखी होते तो सब सेवा करें, उस सुखी होते हैं तो अपना सुख को बांटना चाहिए। जब दुख बहुत जोर से आता है, उस वक्त हम अपना, अपने बारे में ना सोच करके अपना त्याग करें, औरों के लिए जो सेवा का काम है उसमें लगे, तो बहुत जीवन संभल जाएगा इससे। आपने जो बातें कहीं, अभी जो आपने शिक्षाएं दी हैं, हम सबके जीवन में उसका कुछ अंश भी आएगा, तो ये मानना चाहिए कि कोरोना भी हमें कुछ सिखा गया। गुरुजी, श्री श्री रविशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। नमस्कार। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।